बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी जंगल की तरह है, जो दमदार है उसी की बात चलती है। 3 हफ्ते पहले अजय देवगन और आदित्य चोपड़ा के बीच में हुई एक बॉटल थिएटर्स में अपनी फिल्म दिखाने को लेकर, जहां अजय देवगन ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स में सन ऑफ सरदार दिखाना चाहते थे, वहीं जब तक है जहां के लिए आदित्य चोपड़ा ने ढेर सारे सिंगल स्क्रीन बुक कर दिए थे। और अब सुनने में आया है कि ऐसी ही एक फाइट आने वाली फिल्म तलाश और खिलाड़ी 786 के बीच में भी हो सकती है। आमिर खान की फिल्म तलाश रिलीज होने वाली है 30 नवंबर को और अक्षय कुमार की खिलाड़ी 786 रिलीज होगी 7 दिसंबर को। इन फिल्मों को पहले हफ्ते में डिस्प्ले के लिए करीब 2200 सिंगल स्क्रीन मिलने वाले हैं। लेकिन आखिर लड़ाई क्यों, हम बताते हैं आपको। तलाश के प्रोड्यूसर्स एक्चुअली सिंगल स्क्रीन थिएटर वालों से कह रहे हैं कि उन्हें तलाश दिखाने का मौका तभी मिलेगा जब वो 2 हफ्तों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, यानी कि 30 नवंबर को रिलीज होने वाली तलाश पूरे 2 हफ्तों तक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में चलेगी। लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 जो कि तलाश के 1 हफ्ते बाद रिलीज हो रही है, उसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की काफी कमी हो जाएगी अगर तलाश थिएटर्स में 2 हफ्ते चलेगी। तलाश वांट्स एज मच प्रोमिनेंस इन वीक 2 एज इट इज गेटिंग इन द रिलीज वीक एंड दिस कुड टेक अवे स्क्रीन्स फ्रॉम खिलाड़ी 786 हुज रिलीज कोइंसाइड्स विद तलाश'स सेकंड वीक। अब देखना यह है कि एग्जिबिटर्स क्या तलाश को 2 हफ्ते दिखाने के लिए तैयार होते हैं या फिर खिलाड़ी 786 को भी वैसा ही फेट झेलना पड़ेगा जैसा कि जब तक है जहां की रिलीज के दौरान सन ऑफ सरदार का हुआ।